नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की। ये क्यों महाराष्ट्र का चुनाव रोका गया है और क्या घोषणा करना आज जरूरी नहीं हो गया था, इसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सितंबर के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए, तो चुनाव आयोग को सितंबर के अंत तक चुनाव कराने थे। हालांकि वहां 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को नतीजा आएगा और चलता है 3-4 दिन ऊपर। हरियाणा में 3 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है और वहां भी चुनाव की घोषणा कर दी गई। वहां 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लेकिन मात्र 22-23 दिन ज्यादा, यानी 26 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए 26 नवंबर तक, लेकिन वहां का चुनाव टाल दिया गया। जबकि इससे पहले नहीं होता था ऐसा, इससे पहले भी दोनों विधानसभाओं के गठन में करीब 20-22 दिन का फर्क होता था, लेकिन चुनाव एक साथ कराया जाता था, एक साथ घोषणा की जाती थी। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग के पास अर्ध सुरक्षा बल या दूसरे बलों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हो ही रहा है, हरियाणा में, और साथ ही साथ एक अतिरिक्त महाराष्ट्र में होना था। झारखंड में चुनाव की तो मांग अभी कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि वहां 4 जनवरी अगले साल तक नई विधानसभा का गठन होना है। तो फिर क्यों महाराष्ट्र का चुनाव रोका गया है? क्या केंद्र सरकार के इशारे पर रोका गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और एक और बात, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि चूंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया चल रही होगी, इसलिए इस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी। यानी 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, तो 5 या 6 अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र का चुनाव घोषित नहीं होगा। और आपको ध्यान हो, 26 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होना है। 288 विधानसभा सीटें हैं और कम से कम 25-30 दिन चुनाव आयोग चुनाव से पहले देता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तय करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, 5 अक्टूबर को अगर चुनाव आयोग घोषणा करता है तो पहला चरण 1 नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा, या हो सकता है 2 या 3 नवंबर से पहले। और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, तो कम से कम 4-5 चरण में चुनाव कराना पड़ेगा। अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो भी ये इस हिसाब से इतने ही चरण में चुनाव कराना जरूरी होगा। तो फिर कैसे चुनाव आयोग चुनाव करा पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र का चुनाव टाला क्यों गया है? क्या बीजेपी अपनी बिसात बिछाने में लगी हुई है? क्या बीजेपी अभी तय नहीं कर पा रही है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को साथ रखना है या नहीं रखना है? या महायुति में टिकटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है और कहां से चुनाव लड़ना है? या फिर प्रधानमंत्री के कुछ दौरे होने बाकी हैं? एक दिलचस्प बात है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के धड़ाधड़ दौरे नहीं हुए, जम्मू कश्मीर के भी दौरे नहीं हुए। ईद पर वो जरूर गए थे, लेकिन बड़ी घोषणाएं जैसा प्रधानमंत्री किया करते थे, वैसी घोषणाएं इस बार नहीं हुई है। एक चीज ये। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर अभी वहां की सरकार ने जो नई योजनाएं घोषित की हैं, लाडली बहना स्कीम, मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना स्कीम महाराष्ट्र में लड़कों को भी जोड़ दिया गया है, भाऊ स्कीम भी हो गई है, गैस सिलेंडर भी 3 सस्ते दर पर दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी रियायतें दी हैं। कुल मिलाकर 96,000 करोड़ की रियायतें या रेवड़ियां बांटी गई हैं, 1,00,000 करोड़ के आसपास। 1,00,000 करोड़ कम होता है क्या? इतनी रेवड़ियां बांटी गई है, उसके बाद भी क्यों महायुति यानी बीजेपी को लग नहीं रहा कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, या महाविकास आघाड़ी उनसे आगे निकल गया है? तो महाविकास आघाड़ी में कुछ तोड़फोड़ करना बाकी है, या फिर नई बिसात बिछाना बाकी है, या कॉरपोरेट को साथ लेना बाकी है, या बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के सदमे से अभी उभरी नहीं है, इसलिए गुणा भाग करने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में लगी हुई है? 48 में से बीजेपी के गठबंधन के हाथ में महाविकास को आघाड़ी को निर्दलीय मिलाकर 31 सीटें मिली, यानी 17 सीटें ही बीजेपी गठबंधन के हाथ में आई थी, जो पिछली बार 42 सीटें हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव को उसमें कन्वर्ट किया जाए सीटों में, लोकसभा में जो सीटें जीते, तो उसके हिसाब से महाविकास आघाड़ी
146 के बहुमत को पार करती हुई 160-164 पर जाती हुई दिखती है। तो क्या आला कमान बीजेपी का इसलिए डरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा अतिरिक्त समय चाहता है? अब कम से कम एक महीना और मिल जाएगा, एक महीने से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, एक महीने से भी ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा 4 या 5 अक्टूबर से पहले नहीं होगी। और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 16 अगस्त है, तो इस हिसाब से 1.5 महीने का वक्त अतिरिक्त मिल गया है महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ खेल करने का, नए सिरे से बिसात बिछाने का, नए सिरे से तोड़फोड़ करने का या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, नए तरीके से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करने का, जो चुनावी जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से हो या फिर दूसरे जो तिगड़मबाजियां चुनाव में की जाती हैं उसके हिसाब से हो, वो करना उनके लिए ज़रूरी होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि चुनाव आयोग हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर देता है 16 अगस्त को, जहां विधानसभा का गठन 3 नवंबर तक होना है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र की घोषणा नहीं करता जहां विधानसभा का गठन 26 नवंबर तक होना है, और उल्टा ये कह देता है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी, यानी 4 अक्टूबर से पहले नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, महाविकास आघाड़ी को कुछ सतर्क हो जाना चाहिए। अगर उनको ये आशंका है कि आलाकमान बीजेपी का या बीजेपी सरकारी अमला, सरकारी प्रशासन के साथ कुछ खेल करने का अगर नहीं सोच रही है, या अगर सोच भी रही है, तो शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।